हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैंने अपना जो पीएचडी है वो एल्जेब्रा में किया है और स्टूडेंट मैं सीएसआई नेट भी क्लियर हूँ और मैं अपने जो वीडियोस हैं वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करता आ रहा हूँ। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये वीडियोज़ कहाँ हैं, तो आप प्लीज़ अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप, मैं यहाँ पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाके सभी टाइप के मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी, तो वहाँ जाके आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप जाके कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट कहीं छोटी मोटी मैंने हो सकता है प्लस माइनस की छोटी मोटी मिस्टेक है तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके कमेंट कर सकते हैं, सो देट कि मैं उसको रेक्टिफाई करूँ। और मैं जो मेरा पिन कमेंट है वहाँ पे भी मैं उसको डालने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता पड़ेगी सर ने इसमें ये मिस्टेक कर दी, सो देट कि उसको आप अवॉइड करें। और स्टूडेंट्स अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करें, देन वहाँ पे आप गजेंद्र पुरोहित सर्च करें, देन आप मुझे वहाँ पे फॉलो करें, सो देट कि मेरे जितने भी कोर्सेज है उन सभी कोर्सेज के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप मेरे कोर्स को रेट करें, रिव्यू करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो देट कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर सिंप्लेक्स मेथड का पार्ट टू। सिंप्लेक्स मेथड का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ऑलरेडी ले चुका हूँ, प्लस ग्राफिकल मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। स्टूडेंट यहाँ आईटी बारह यहाँ जाके मेरे पुराने वीडियो सभी देख सकते हैं, प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी पे और कॉम्पिटिशन एग्जाम पे भी मैंने यहाँ वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं। और स्टूडेंट अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, सो आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कैसे हम सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, वहाँ पे मैंने टू वेरिएबल का क्वेश्चन लिया था, अब मैं आपके सामने ले रहा हूँ कि थ्री वेरिएबल वाले क्वेश्चन को कैसे हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। सो वही कंसेप्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम जेड, देखो यहाँ पे मैक्सिमम में होना चाहिए क्वेश्चन, अगर मिनिमम है तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा। सो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, देन ये आएगा ये x1 प्लस x2 प्लस x3। अब देखो यहाँ पे क्या लेस देन आ रहा था, हमें एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, वो हम x4 ऐड करेंगे, इसको बोलते हैं हम स्लैक वेरिएबल, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, देखो ये 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 प्लस 0x4, मैं यहाँ ऐड करता हूँ x5 और यहाँ लिख देता हूँ 0x5 बराबर 30, राइट। नाउ ये करेंगे हम 2x1 माइनस x2 माइनस x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 प्लस x6 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ आएगा ये 0x6 0x। आपके मन में सवाल उठेगा, सर आपने क्यों ऐड किया ये दोनों तीनों को, तो यार यहाँ पे मिनिमम लेस देन है तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हम एक वेरिएबल को ऐड करते हैं, राइट। और इस वेरिएबल को हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल, राइट, है ना। सो ऑल एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 0x4 0x5 एंड 0x6, क्या होगा देखिए आप यहाँ टेबल बनाएंगे, है ना, वही सी बी एक्स बी बी, है ना, देन ये आएगा x1 x2 x3 x4 x5 x6 और यहाँ आ जाएगा सी जे, है ना। क्या है वैल्यू सी जे की, 3 2 देन 5 0 0 0, क्लियर। नाउ इधर देखिए आप लोग आगे कैसे करेंगे इसको, हम ये हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल है, पहली बात तो मैं यहाँ मैट्रिक्स बनाता हूँ, कितना आएगा 1 2 2 1 प्लस 3 -1, है ना, देन ये आएगा 1 5 -1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। नाउ अब यहाँ पे जो ये b आएगा, b हमारा कौन सा आता है, ये आता है ना 9 38, देन ये आएगा आपके पास x4 x5 x6 और इन सब की कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। मैं आपको पहले इससे पहले एक क्वेश्चन बता चुका हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा यहाँ पे। सो देखिए हम क्या करेंगे, जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे, है ना, इन तीनों को इन तीनों से मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर जो वैल्यू आती है वो हमारा जेड जे होता है। तो 0
जीरो जीरो जोड़ो जीरो और फिर सीजे को माइनस करेंगे तो जीरो माइनस थ्री होता है। इसी टाइप से ये माइनस टू आएगा, माइनस फाइव आएगा, जीरो जीरो जीरो। मोस्ट नेगेटिव ये है, मतलब ये हमारा क्या होगा, एंटरिंग वेरिएबल होगा। हम चाहते हैं यहाँ पे ये जो एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स हट जाए, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री में से कोई वैल्यू यहाँ आ जाए, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये जो एक्स थ्री अंदर घुसेगा अब यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसके लिए हम क्या चेक करेंगे स्टूडेंट, मिनिमम रेशियो चेक करेंगे, है ना। अब मिनिमम रेशियो क्या होगा, नाइन डिवाइडेड बाय वन, 30 डिवाइडेड बाय 5 और 8 डिवाइडेड बाय माइनस 1। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 8 डिवाइडेड बाय माइनस 1 इसको हम यहाँ पे नहीं कहा, क्योंकि मिनिमम रेशियो के लिए हम यहाँ चेक करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में वो पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्लियर है। तो ये नेगेटिव आ रहा है, 8 डिवाइडेड बाय माइनस 1 आ रहा है, इसलिए हम इसके रेशियो को कंसिडर नहीं करेंगे, क्लियर। अब देखो मिनिमम रेशियो में जो मिनिमम आ रहा है वो कौन आ रहा है स्टूडेंट, ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ से इसकी वैल्यू 6 आ रही है। इसका मतलब हमारा जो x5 है वो हटेगा और आएगा कौन, x3 आएगा और ये हमारा क्या होगा, की एलिमेंट होगा। ना क्या करेंगे हम यहाँ पे, वही सी बी एक्स बी बी, है ना, है ना, ये आएगा x1 x2 x3 x4 x5 और x6, है ना। नाउ मैं थोड़ा सा इसको छोटा लगेगा, मुझे और टेबल की जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ हमारे पास x4 आएगा, यहाँ हमारे पास आएगा x3, यहाँ हमारे पास आएगा x6। नाउ इसकी कॉस्ट तो जीरो है, इसकी कॉस्ट भी जीरो, और x3 की कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट, फाइव है, वो फाइव यहाँ आ जाएगा। नाउ अब हम क्या चाह रहे हैं, ये जो फाइव है ये क्या हो जाए, वन, और इन दोनों को क्या बनाएंगे हम, जीरो। तो पूरी लाइन को क्या करेंगे, फाइव से डिवाइड करेंगे। इसको 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6, इसको 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 बाई फाइव, इसको 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 बाई फाइव, इसको 5 से करोगे तो 1, 0, 1 बाय 5 एंड 0। बोलो जी सही है कि नहीं। देन ये हमारे पास सीजे तो आता ही, क्या है सीजे, 3, 2, 5, 0, 0, 0। ना अब इस 1 को 0 बना रहे हैं तो क्या करें हम, इस लाइन को इस लाइन से माइनस कर दें, 1 को 1 से माइनस कर दें, 0 हो जाएगा। तो क्या फार्मूला होता है, ओल्ड लाइन माइनस न्यू लाइन। तो देखो ओल्ड लाइन क्या है मेरे पास, 9 1 1 1 1 0 0। न्यू लाइन क्या है, ये रहेगी न्यू लाइन, माइनस 6 माइनस 2 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 बाय 5 एंड माइनस 0, राइट। नाउ इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, देखो यहाँ पे 3 है ना, देन इसको माइनस करेंगे कितना है, 5 में से 2 गया तो कितना आएगा 3 बाय 5, है ना, देन वो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 5, तो ये आएगा 2 बाय 5, देन ये आएगा आपके पास 0, 1, माइनस 1 बाय 5 एंड 0, राइट। अब नेक्स्ट, अब इस माइनस 1 को 0 बनाना, क्या करें, ये जो ओल्ड लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है, इसको इससे जोड़ दें। तो जोड़ेंगे तो यहाँ फार्मूला क्या होगा, ओल्ड लाइन प्लस न्यू लाइन, तो वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे। क्या करेंगे, देखो ओल्ड लाइन क्या है मेरे पास यहाँ पे, 8 2 माइनस 1 माइनस 1 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, न्यू लाइन, ये रहेगी न्यू लाइन, ये है, इसको जोड़ दें, प्लस 6 प्लस 2 बाय 5 प्लस 3 बाय 5 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 बाय 5 एंड प्लस 0, कितना आएगा स्टूडेंट, 8 और 6 14, देन ये कितना है 5 10 12 बाय 5, देन ये कितना आएगा हमारे पास माइनस का 2 बाय 5, देन आएगा 0, देन आएगा 1 बाय 5, देन आएगा क्या पे आ रहा है यहाँ पे, सॉरी ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 0 आ रही ना, देन ये भी हमारे पास क्या आएगा 0, और ये आएगा हमारे पास 5, ये 1, राइट। अगेन हम बात करेंगे यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे की, इन तीनों को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 है ना, 5 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, और 0 2 को 3 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस 1, ये आएगा 0, ये आएगा 3, ये आएगा 0, और 3 को 2 से माइनस करेंगे ना तो कितना आएगा यहाँ पे 1, देन ये आएगा आपके पास 0, 0, ये तो आपके पास आ रहा 1, देन 0, राइट। तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा आ रहा स्टूडेंट, ये आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या होगा, एंटरिंग होगा। अब किसकी जगह आएगा, इसके लिए हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे, मिनिमम रेशियो। नाउ दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 15 बाय 3, देन इसको करेंगे तो ये आएगा 30 बाय 2, देन ये आएगा तो 70 बाय 12। अब मिनिमम कौन आ रहा है स्टूडेंट, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है आपके पास 5, ये आ रही है आपके पास 15, और ये आ रही है आपके पास 12 को 70 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना,
तो मतलब ये हमारा मिनिमम, तो ये हमारा क्या होगा, एंटरिंग वेरिएबल होगा, है ना। नाउ ये एंटरिंग होगा मतलब ये हमारा की एलिमेंट होगा, और ये एक्स फोर को हम हटाएंगे और इसकी जगह क्या आएगा, एक्स वन आएगा। तो मैं एक और टेबल बनाएंगे स्टूडेंट, ये आएगा सी बी एक्स बी बी, ये आएगा हमारे पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव और एक्स सिक्स। नाउ यहाँ पे x4 की जगह हमारे पास आ जाएगा x1, ये आ जाएगा x3, ये आ जाएगा x6। स्टूडेंट कॉस्ट कितनी है x1 की, x1 की कॉस्ट हमारे पास 3 है, इसकी कॉस्ट 5 है, ये हमारे पास 0 है। cj हमारे पास कितना है 3 2 5 0 0 0। नाउ इसकी जगह क्या बनाएंगे हम, 1 बनाएंगे, तो 5 बाई 3 से मल्टीप्लाई करते थे ना, 5 बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 15 बाई 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 5, है ना। इसको करेंगे तो 1, इसको करेंगे 5 बाई 3 से, तो ये आएगा 2 बाई 3, ये आएगा 0, ये आएगा आपके पास 5 बाई 3, और इसको करेंगे 5 बाई 3 से तो माइनस का 1 बाई 3 एंड देन 0, राइट। अब हमें क्या बनाना है, इस 2 बाई 5 को 1 की हेल्प से क्या बनाना है, 0 बनाना। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो वो कंसेप्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, ओल्ड लाइन माइनस, देखो आपको 2 बाई 5 को 0 बनाना है, तो माइनस का क्या होगा 2 बाई 5 इंटू न्यू लाइन, है ना। तो ओल्ड लाइन क्या है स्टूडेंट मेरे पास, जिसको मुझे 0 बनाना है, इसको बनाना है ना 6, 2 बाई 5, 3 बाई 5, 1, 0, 1 बाई 5 एंड 0। अब इसको माइनस, इसको 2 बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, कितना आएगा माइनस 2, माइनस 2 बाई 5, है ना। ये 2 बाई 5 से करेंगे तो माइनस का 4 बाय 15, माइनस का 0, माइनस का 2 बाई 5 से करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस का 2 बाई 3, देन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारे पास 2 बाई 5, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 बाय 15, देन ये आएगा हमारे पास 0, राइट। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास 4, देन ये आएगा आपके पास कितना आ रहा है 0 आएगा, 2 बाई 5 से 2 बाई 5 माइनस होगा, देन ये आएगा 3, 3 9, 9 में से 4 गया तो 9 में से 4 गया तो 5 बाई 15, दैट इज ये आएगा आपके पास क्या रहा है यहाँ पे, इसको 3 से करेंगे तो 9, 9 में से 4 गया तो 5 बाई 15, दैट इज 1 बाई 3, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 बाई 3, देन ये आएगा हमारे पास 1, देन ये आएगा हमारे पास माइनस का 2 बाई 3, देन ये हमारे पास आएगा कितना, यहाँ पे करेंगे हम 3, 3 और ये 5 बाई 15, देन अगेन 1 बाई 3, देन ये आएगा हमारे पास 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस 12 बाई 5 को भी 0 बनाना है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, ओल्ड लाइन माइनस 12 बाई 5 इंटू न्यू लाइन, है ना। तो ओल्ड लाइन क्या है, जो ओल्ड लाइन उसको लिख दो यहाँ पे, कितना आएगा 14, 12 बाय 5 माइनस 2 बाय 5, 0, 0, 1 बाय 5 एंड 1। नाउ इसको 12 बाय 5 से मल्टीप्लाई करो, ये नई वाली लाइन, है ना। इसको 12 बाय 5 से मैं करोगे तो माइनस का 12, माइनस का 12 बाय 5, माइनस का 12 बाय 5 करोगे, है ना। तो ये 2 बाय 3 में आप 12 बाय 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 4, तो ये आएगा माइनस का 8 बाय 5, है ना, ठीक है। नाउ इसमें से करेंगे तो 0, देन ये 12 बाई 5 करोगे तो 5 से 5, मतलब 5 बाई 3 में आप करोगे 12 बाई 5 का, तो 5 से 5 कैंसिल, ये कितना रहा है 4, तो ये आएगा माइनस का 4, देन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास आएगा 4 बाय 5, देन ये हम करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, ये 0 आएगा, राइट। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए ये आएगी 2, देन ये आएगी आपके पास 0, देन ये आएगी आपके पास माइनस का 10 बाई 5 मीन्स 2, है ना, ये 2 आएगा माइनस का, राइट। देन ये आएगा आपके पास 0, देन ये आएगा आपके पास माइनस 4, देन ये आएगा आपके पास 5 बाई 5 1, देन ये आएगा आपके पास 1, राइट। नाउ क्या करेंगे स्टूडेंट, जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो 2, और ये आएगा 2 प्लस 5 बाई 3 माइनस 2, है ना। तो स्टूडेंट ये आएगा आपके पास 5 बाई 3, है ना, ये आएगा आपके पास 0, है ना। नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 बाई 3, है ना, ओके, और ये आएगा माइनस का 0। सो आपके पास आएगा 15, 15 में से गया 10 तो 5 बाई 3, देन ये आपके पास आएगा माइनस का 1 और 5 बाई 3, है ना। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ रही माइनस का 1 प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 और ये हुआ 5 बाई 3, देन उधर तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा 3 और 2 बाई 3, राइट, और ये आएगा 0। तो ऑल जेड जे माइनस सी जे यहाँ पे क्या हो गया, सभी जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू कितनी हो गई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सो ऑल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो, सो ऑल
जेडजे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, फाइनल टेबल होगा। अब इसके देखो x1 के सामने कौन आ रहा बेटा, x1 के सामने आपके पास आ रहा 5, x2 के सामने x2 की वैल्यू नहीं आ रही, देखो x2 कहीं नहीं आ रहा है लिखा हुआ, तो जो नहीं आ रहा उसकी वैल्यू कितनी होती है जीरो। x3 की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, 4 होगी, है ना। अब ये सब वैल्यू उठा के कहां रखेंगे स्टूडेंट, हम z में रखेंगे, ये हमारा z इसमें रख दीजिए, तो मैक्सिमम z कितना आएगा देखिए यहां पे आप, जहां पर x1 है वहां 5 रखेंगे तो 15, जहां पर x2 वहां 0 रखेंगे, जहां x3 वहां 4 रखेंगे तो कितना आएगा 20। सो द आंसर इज कितना आएगा यहां पे 35। सो स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करते हैं, तो मुझे लगता है सिंप्लेक्स मेथड का आपको जो नेक्स्ट पार्ट ये भी समझ में आया होगा। और स्टूडेंट इससे आगे मैं आपके सामने लेने वाला हूँ बी गेम और टू फेस, तो बी गेम और टू फेस की टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है लाइक यहाँ पे लेस देन होता है, अगर ग्रेटर देन टाइप की प्रॉब्लम होगी जहाँ पे हम सरप्लस वेरिएबल ऐड करेंगे तो वो वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। स्टूडेंट मेरी वीडियोज़ आपको हेल्प कर रहे होंगे, अगर आपको प्लीज़ आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपको हेल्प कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, सो दैट कि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।